दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि भारतीय टीम इस बार वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में चैंपियन बने तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, क्रिस्ट चर्च टेस्ट में जीत के साथ ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया न्यूजीलैंड का सफाया। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का टेबल हिलाया, भारतीय टीम पर भी खतरा मंडराया। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया की टीम ने न्यूजीलैंड के खिलाफ क्रिस्ट चर्च टेस्ट में अविश्वसनीय और शानदार जीत दर्ज करते हुए अंक तालिका को पूरी तरीके से हिलाकर रख दिया। इस दौरान उन्होंने न्यूजीलैंड को तगड़ा झटका दिया है, तो वहीं भारतीय टीम के लिए भी बड़ी चुनौती पेश कर दी है। तो आखिरकार ऑस्ट्रेलिया के जीत के साथ अंक तालिका में क्या कुछ बदलाव कर दिया है, ये तो आपको बताएंगे ही। साथ में ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड समेत सभी टीमों के फाइनल में पहुंचने के चांस के बारे में भी अंक तालिका के समीकरण के साथ आपको समझाने वाले हैं। तो अब जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है टेस्ट क्रिकेट की सबसे मजबूत टीम कौन सी है, भारत, ऑस्ट्रेलिया या कोई और? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारतीय टीम ने हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज को 4-1 से जीतने के साथ समाप्त कर दिया है। तो दूसरी तरफ से ऑस्ट्रेलिया की टीम ने भी न्यूजीलैंड का सफाया कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच खेले गए दो मैच के टेस्ट कार्यक्रम में कंगारू टीम ने पहले मैच में 172 रन से शानदार जीत दर्ज की, तो वहीं दूसरे मैच के अंदर 3 विकेट से शानदार जीत कायम की। दरअसल क्राइस्ट चर्च के मैदान पर खेले गए दूसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और न्यूजीलैंड को 162 रन पर पहली पारी में ऑल आउट किया, और इसका पीछा करने के लिए आई ऑस्ट्रेलिया की टीम ने 256 रन ऑल आउट होकर बनाए। तो वहीं न्यूजीलैंड की टीम ने दूसरी पारी के अंदर 372 रन ऑल आउट होकर बना दिया और 281 रन का लक्ष्य ऑस्ट्रेलिया को दिया, जिसको 7 विकेट के खोने के साथ कंगारू टीम ने हासिल कर 3 विकेट से मैच जीता। और इस जीत के साथ अंक तालिका का पूरा गणित बदल चुका है। जी हाँ दोस्तों, अंक तालिका के बारे में बात करें तो एक बार फिर से सबसे नीचे श्रीलंका की टीम मौजूद है, जिन्होंने 2 मैच के अंदर 1 भी जीत दर्ज नहीं किया, जिसके चलते उनके 0 अंक हैं और अभी विनिंग परसेंटेज भी 0 ही है। तो वहीं 8 नंबर पर इंग्लैंड की टीम मौजूद है, जिन्होंने 10 मैच खेले हैं और इस बीच उन्होंने 3 मुकाबलों के अंदर जीत हासिल की है, तो वहीं 6 मुकाबले में हार का सामना किया है। इसके अलावा एक मैच ड्रॉ खेलने के साथ 21 अंक हासिल किए हैं। इस बीच इनका विनिंग परसेंटेज 17.5 का है। तो वहीं 7 नंबर पर फिलहाल साउथ अफ्रीका की टीम है, जिन्होंने 2 सीरीज इंग्लैंड की तरह खेली है। इस दौरान उन्होंने 4 मैच में 1 मैच को अपने नाम किया है, तो वहीं 3 मैच में हार का सामना करते हुए 12 अंक हासिल किए हैं। इस बीच इनका विनिंग परसेंटेज 25 का देखने को मिला है। तो वहीं अब 6 नंबर पर फिलहाल वेस्टइंडीज की टीम मौजूद है, जिन्होंने इंग्लैंड की टीम की तरह 2 सीरीज अभी तक खेली है। इस दौरान उन्होंने 4 मैच के अंदर 1 जीत दर्ज किए, तो वहीं 2 मैच में हार का सामना करने के साथ 1 मैच ड्रॉ खेला है और 16 अंक हासिल करते हुए 33.33 का विनिंग परसेंटेज अपने नाम कर रखा है। इतने नहीं, 5 नंबर पर पाकिस्तान की टीम मौजूद है, जिन्होंने अभी तक 2 सीरीज के अंदर 5 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 2 मैच में जीत तो वहीं 3 मैच में हार का सामना करने के साथ 22 अंक हासिल किए हैं। इस दौरान उनका विनिंग परसेंटेज 36.66 का है। इतने नहीं, 4 नंबर पर अब बांग्लादेश की टीम मौजूद है, जिन्होंने 1 सीरीज के अंदर 2 मैच खेलते हुए 1 जीत और 1 हार का सामना किया है, जिसके चलते उनके बारे में अंक हैं और इनका विनिंग परसेंटेज भी 50 का है। इसके अलावा तीसरे नंबर पर अब न्यूजीलैंड की टीम आ चुकी है, जिन्होंने 3 सीरीज खेलते हुए 6 मैच खेले हैं। इनमें 3 मैच में उनकी जीत और 3 मैच में उनको हार का सामना करना पड़ा है, जिसके चलते अब उनके इस सीरीज में हार के साथ 36 अंक हैं। इस बीच उनका विनिंग परसेंटेज 50 का है। इतना ही नहीं, दूसरे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया की टीम मौजूद है, जिन्होंने 4 सीरीज के बाद अपने 12 अंक खेलते हुए 8 मैच में अपने नाम किए हैं। इसके अलावा 3 मैच गवाए हैं, साथ में 1 मैच ड्रॉ खेला है और अब इनके 90 अंक हो चुके हैं, जिसके चलते इनका विनिंग परसेंटेज 62.50 का है। इतने नहीं, सबसे ऊपर अभी तक भारतीय टीम मौजूद है, जिन्होंने 3 सीरीज के अंदर 9 मैच खेले हैं। इस दौरान उन्होंने 6 मैच में जीत और 2 में हार का सामना किया है और इसके अलावा 1 मैच ड्रॉ खेला है, जिसके चलते उनके 74 अंक है और इनका विनिंग परसेंटेज 68.51 का है। हालांकि अभी तक तो भारतीय टीम सबसे ऊपर मौजूद है, लेकिन इस संस्करण के अंदर उनको ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसी मजबूत टीम से बचकर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि अब भारतीय टीम के लिए चुनौती काफी ज्यादा बढ़ चुकी है और अब वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2025 के फाइनल में जगह को बनाने में दिक्कत हो सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस बार भारतीय टीम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन के फाइनल में अपनी जगह कायम कर पाएगी या नहीं? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।